देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक भीषण लू चलने के आसार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है। हालांकि कई इलाकों में अगले 1 से 2 दिनों में हल्की बारिश का भी अनुमान है। इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में अगले 5 दिनों तक गंभीर लू चलने का अनुमान जताया गया है। IMD ने कहा कि बिहार, झारखंड, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान 29 अप्रैल तक लू चलने के आसार है और पश्चिम उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 28 से 30 अप्रैल के दौरान लू चल सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 28 अप्रैल तक छिटपुट वर्षा होने का अनुमान है। IMD ने कहा कि 30 अप्रैल तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर तूफान, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही व्यापक रूप से हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। सिक्किम में 28 अप्रैल को गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है और मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण राजस्थान में 27 अप्रैल को 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान जताया है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।